तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा कि हैदराबाद बूम्स की टीम ने 36 रन्स बना दिए थे 6 विकेट खो कर के, और अब हमारी टीम को, बंगाल थंडर्स की टीम को, जीत के लिए चाहिए 37 रन्स। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा कि बॉलिंग जो है वो ए सेन ने और एल आरव ने सबसे अच्छी की थी, तो शुरुआत में भी हम उन्हीं को लेकर के आ रहे हैं एज एन ओपनर। एल आरव रहेंगे स्ट्राइकर एंड पर और ए सेन को हमने नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखा है, और ए सेन को हम इस वजह से लेकर के आए क्योंकि आज हमें लगता है कि इस मैच में उनका दिन है, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा, ओके यहाँ पर फुल टॉस लेंथ की बॉल थी और डॉट रही ये बॉल, मिड विकेट के फील्डर के पास खेला, तो जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे और हमने यही सोचा कि उनका दिन रहेगा। खैर वो तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, पर फिलहाल यहाँ पर एल आरव जो कि स्ट्राइकर एंड पर थे, वो दूसरी बॉल में मिड विकेट के फील्डर के हाथ में एक आसान सा कैच दे करके जा चुके हैं। अब उनके बाद ए सिंह ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो अभी ए सिंह को लेकर के आते हैं। आज के दिन हम अपना पूरा लोअर ऑर्डर आजमा के देखेंगे कि कैसा है, और क्योंकि जो टारगेट है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है और लॉफ्टेड, ये भी शॉट था, यहाँ पर फिर से लॉफ्टेड शॉट और वो भी मिड विकेट के फील्डर के हाथ में, और आसान सा कैच हुआ वहाँ पर, और उस आसान कैच के द्वारा एक चीज़ तो हुई कि यहाँ पर हैट्रिक पर हैं बॉलर, और अब अगर एक विकेट और मिल गया तो हैट्रिक हो जाएगी। तो हैट्रिक को थोड़ा सा तोड़ने के लिए हम एस वर्मा को लेकर के आए हैं। हाँ एस वर्मा कोई बहुत अच्छे बैट्समैन है नहीं, पर ये है कि एस वर्मा एक बैट्समैन है, तो बैट्समैन का विकेट लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट है, गैप में है और बिल्कुल ये चौका है, ये तो कमाल का चौका था, और इस चौके के साथ यहाँ पर फिलहाल गली के फील्डर के ऊपर से ये चौका खेला, और अब देखना ये है कि इस चौके के साथ क्या ये थोड़ा और खेलते हैं या नहीं। यहाँ पर फिर से लॉफ्टेड शॉट है, फील्डर मौजूद, और बिल्कुल जैसा कि हमने कहा था कि कोई बहुत अच्छे ये बैट्समैन है नहीं, तो वही हुआ, इनका विकेट चला गया है। और अब इनके जाने के बाद जैसा कि हमने कहा था कि अपने लोअर ऑर्डर को आजमाएंगे हम आज पूरा, तो एस बोस को लेकर के आते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर एस बोस को हमने चुन लिया है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, और इस ओवर में कोई बहुत ज़्यादा रन आए नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा क्या सिर्फ 4 ही रन आए हैं और विकेट 3 गिर चुके हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी तक हम आए भी नहीं हैं, अभी तक दुबे नहीं आए हैं और एस सक्सेना भी नहीं आए हैं हमारी टीम के, वो भी काफ़ी अच्छे एक बैट्समैन हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 रन आए इस पहले ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर, और ए शाह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की इस पहले ओवर में, हैट्रिक का वहाँ पर चांस हो गया था, और जैसा कि आपने देखा कि वो जब दूसरा विकेट जब गिरा ना, तो हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो स्टक हो गए थे, वो बिल्कुल एक मिनट के लिए फ्रीज हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, और वही बोलते बोलते कि इस आसान से कैच के द्वारा, और वो द्वारा बोलने के बाद हम वहाँ पर एकदम बिल्कुल चुप हो गए, और वो कारण यही था कि हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 प्लेयर्स हमारे लगातार आउट हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर 21 बॉल में 31 रन्स चाहिए, और ए सेन जो हैं वो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं, सामने की तरफ ये शॉट, और इस शॉट के साथ एक और डॉट बॉल आ चुकी है इस ओवर में, 2 डॉट बॉल हो चुकी है, 2 सिंगल हो चुका है। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है, सामने की तरफ ये शॉट और चौका बटोरा है, और इस चौके के साथ अब यहाँ पर ए सेन ने शुरुआत तो कर दी है बाउंड्री की, अब ये आखिरी बॉल है, यहाँ पर देखना होगा क्या करते हैं, और गैप में ये शॉट खेला है, एक चौका लगाने के बाद एक सिंगल लिया है, और इस एक सिंगल के साथ अब 18 बॉल में 26 रन चाहिए। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन बना दिए हैं हमारी टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर, और 5 बॉल में 6 रन पर हैं ए सेन,
जैसा कि हमने कहा था कि हमें लगता है कि आज के इस मैच में एस सेन का दिन है, क्योंकि हैट्रिक के चांस पर वो गए थे, फिर आखिरी बॉल पर एक उन्होंने ओहो, अरे क्या बात है, यहाँ पर तो बिल्कुल कैच छूटा है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि उस ओवर में वो हैट्रिक के चांस पर गए पर हैट्रिक नहीं हो पाई, लास्ट में ओवर ख़त्म होते होते एक विकेट उन्होंने लिया और यहाँ पर इतना आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया और चौका मिला है सेन को। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है और चौका बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक डबल ही मिलेगा और ओहो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं ये बैट्समैन। पर ये सेन नहीं थे, ये कोई और थे, ये कौन थे वो देखना होगा, ये शायद एस बोस थे और बिल्कुल एस बोस ही हैं। दो बॉल में एक रन बना करके रन आउट हो करके वो जा चुके हैं। अभी आर राव को हम लेकर के आते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम आज अपना पूरा लोअर ऑर्डर आजमा के देखने वाले हैं, आज चेक करने वाले हैं कि हमारा लोअर ऑर्डर आखिर है कैसा, क्योंकि ये जो इंडिया रीजनल ब्लिट्ज है जब ये ख़त्म होगा तो फिर T20 मैचेस शुरू होंगे। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट है और बिल्कुल अब एक चौका बटोरा है, 15 रन बना दिए हैं एस सेन ने। तो अब यहाँ पर तो ये तो साफ हो गया है कि अगर आज हमारी टीम जीती, और अगर क्या, अब 17 रन चाहिए जीत के लिए और बॉल्स भी ठीक ठाक हैं, अभी 15 बॉल में 17 रन चाहिए। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट और ओहो हो, इस बार कोई गलती नहीं की इस फील्डर ने। और ये कमाल का एनिमेशन, ये सैल्यूट वाला एनिमेशन, ये अभी तक के नहीं आया था शायद, और शायद क्या, हाँ अभी तक के नहीं आया जितना हमें याद है, या आया है, हाँ शायद आया है, ये आया है एनिमेशन, पर इस एंगल से नहीं आया है। इस एंगल से आया तो हमें लगा कि ये अभी तक के नहीं आया, पर हाँ ये एनिमेशन भी आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर अब दुबे भी आ चुके हैं, 289 रन इन्होंने बनाए हैं, सिर्फ 11 रन दूर हैं ये अपने 300 रनों के आंकड़े से। और फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल पर एक सिंगल लेंगे और बिल्कुल इस एक सिंगल के डबल मिल सकता है, पर लिया नहीं है। और ना लेने का कारण यह है कि आखिरी बॉल को, मतलब आखिरी बॉल को खेलने के लिए हम आर राव को रखना चाहते हैं, हम अगले ओवर में थोड़ा सा खेलना चाहते हैं। यहाँ पर फिलहाल यॉर्कर लेंथ की बॉल है, लॉफ्टेड ये शॉट है, फील्डर मौजूद है पर बिल्कुल नहीं, एक और बेकार फील्डिंग, और अभी तक के दो बेकार फील्डिंग हो चुकी है। और अगर वो अच्छी हुई होती तो बहुत सारी चीज़ें कुछ बदल सकती थी यहाँ पर बंगाल थंडर्स की टीम के लिए भी, और साथ ही साथ जो हमारी ओपोनेंट टीम है हैदराबाद बूम्स की टीम है उनके लिए भी। यहाँ पर फिलहाल अब 12 बॉल का मैच बचा हुआ है और 12 ही रन चाहिए जीत के लिए। फुल लेंथ की बॉल है, पीछे की तरफ ये शॉट और एक सिंगल आसानी के साथ लिया है। अभी 11 बॉल में 11 रन चाहिए, और क्या इस बॉल पर कुछ सिंगल डबल चौका क्या होने वाला है। लॉफ्टेड ये शॉट है, ओ हो हो, हमें लगा नहीं था कि ये बॉल बिल्कुल कैरी करेगी फील्डर तक, और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ये, डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो अब इनके डांस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और लेकर के आते हैं एस सक्सेना को। अभी एस सक्सेना को लेकर के आए या ना आए देखना होगा, एस सक्सेना लेकर के आने का मूड तो है और बिल्कुल लेकर के हम आ चुके हैं, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन एस सक्सेना आ चुके हैं। और अब हम देखना चाहेंगे कि इनका ये जो डांस है ये और कितने देर चलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर 10 बॉल में 11 रन चाहिए, यॉर्कर लेंथ की ये बॉल, और हाँ हमें यहाँ पर लगा ना कि स्ट्राइकर एंड पर एस सक्सेना मौजूद हैं और हम जो हैं वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि एस सक्सेना खेलेंगे, पर उसी इंतज़ार में यहाँ पर बॉल निकल गई। पर अब हमें यहाँ पता है, तो पीछे की तरफ एक सिंगल लेने की कोशिश और टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा, टाइमिंग तो ठीक थी पर हम जो खड़े थे ना वो थोड़ा सही नहीं खड़े थे, थोड़ा सा ऑन साइड की और हमें जाना चाहिए था। यहाँ पर पीछे की तरफ ये शॉट है, फाइन लेग के फील्डर की तरफ ये शॉट है, और इस शॉट के साथ एक सिंगल ले लिया हमने और वापस से नहीं स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आ चुके हैं एस सक्सेना को। अपनी पहली बॉल खेलेंगे वो इस ओवर की आखिरी बॉल पर,
देखना होगा क्या करते हैं, एक सिंगल या डबल। एक सिंगल लेने की कोशिश और बिल्कुल एक सिंगल ले लिया है ओवर की आखिरी बॉल, और आखिरी बॉल पर एक सिंगल लिया है। 6 बॉल में 9 रन, अभी 6 बॉल में 9 रन चाहिए, तो ये तो साफ़ है कि ये मैच हम जीतने वाले हैं, क्योंकि 6 बॉल में 9 रन बनाना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है नहीं। खैर, अब SI आ रहे हैं आखिरी ओवर को डालने के लिए। S सक्सेना मौजूद हैं स्ट्राइकर एंड पर, और यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है, छक्का बिल्कुल है ये, और इस छक्के के साथ अभी 5 बॉल में 3 रन चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये चौका लगाकर मैच को ख़त्म करते हैं या एक और छक्का लगाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल लिया है और स्ट्राइकर एंड पर अब दुबे आ चुके हैं। 4 बॉल में 2 रन चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ की तरफ की बॉल है, ऑफ साइड के फील्डर को पार कराएंगे और बिल्कुल एक चौका लगाकर विनिंग रन्स जो हैं वो दुबे के बैट से आए। कमाल का वो खेलते आए हैं इस पूरी सीरीज़ में, WCC3 की कैरियर मोड की जो सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में। और जैसा कि हमने कहा था कि हमें लगता है कि SN का आज दिन है, तो बिल्कुल उनका दिन था। 15 रन उन्होंने बनाए, 3 विकेट लिए, और उसी चीज़ की बदौलत 4 विकेट से हमें एक अच्छी और बड़ी जीत मिली।